हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जु टॉक। गाइस, आज हम बात करेंगे अंडर 19 क्रिकेटर समीर रिजवी के बारे में। समीर रिजवी एक भारतीय क्रिकेटर हैं। समीर रिजवी का जन्म 6 नवंबर 2003 को हुआ है। रिजवी मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मेरठ के बेगमपुर निवासी समीर रिजवी ने बहुत ही कम उम्र में अंडर 19 टीम में अपनी पहचान बना ली है। समीर एक करिश्माई बल्लेबाज हैं। समीर रिजवी के पिता का नाम हसीन लोहिया है। समीर के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। समीर बताते हैं कि मेरे अंदर क्रिकेट का जुनून मेरे मामा तनकीब से आया था। समीर जब 7 साल के थे तब उनके मामा उनको गांधीबाग में क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे और खेल की बारीकियां समझाते थे। समीर ने बताया कि फिर मैंने इस खेल को अपना लक्ष्य बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिकेट को देना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट दिमाग में चलता रहता था। समीर खेल के अलावा पढ़ाई भी कर रहे हैं। समीर जेपी एकेडमी में 10वीं के छात्र हैं। अपने क्रिकेट कैरियर में समीर यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कई टूर्नामेंट खेल चुके हैं और अपना शानदार प्रदर्शन दिए हैं। समीर अंडर 16 में अपने बल्लेबाजी से बहुत शानदार प्रदर्शन दे चुके हैं। समीर आगे बताते हैं कि सन 2011 में मेरठ के गांधीबाग स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र की टीमों के बीच रणजी मुकाबला खेला जा रहा था। तभी सुरेश रैना ने एक बच्चे को बुलाकर अपना कैच अभ्यास कर रहे थे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि समीर रिजवी ही थे। रैना ने तब समीर रिजवी की क्षमता को सही पहचाना। रैना ने समीर को बताया कि आपके अंदर काबिलियत है, आप खेल और पढ़ाई दोनों कर सकते हैं। रैना ने यह भी कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी ध्यान दें। बस यही बात समीर ने अपने मन में बिठाया और पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में खूब मन लगाकर और पूरे लगन के साथ कठिन परिश्रम किया और फिर पहले यूपी और कई टूर्नामेंट खेले, फिर अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाई। समीर बताते हैं कि अभी मुझे इंडियन टीम में खेलना है जिसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।